हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट के मोशन से या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से इंड्यूस होता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। ओके, हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। 10th क्लास में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफरेंट स्टडी करते हैं अलग चैप्टर में और मैग्नेट का अलग स्टडी करते हैं, लेकिन हमको ये फैक्ट याद रखना है कि वेन एवर देर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, वेन एवर चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस। ओके, तो सेकेंड वाला जो मैंने पार्ट अभी बोला, ये हम ईएम वेव चैप्टर में एक्चुअली पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम से, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में या फ्लक्स में जो भी चेंज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से इंड्यूस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहां पर पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स का मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। ओके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम यहां पर जब रिप्रेजेंट करेंगे एम सिंबल लगा देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थोड़ा डिफरेंट हो, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ। ओके, अगर वेरिएबल हुआ देन फॉर्मूले में हम यहां पर एलिमेंट लेके हमें करना पड़ेगा, देन फॉर्मूला विल बी बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है। डॉट को रिमूव करेंगे तो यहां पर कॉस थीटा आएगा, डी ए कॉस थीटा। ओके, यहां पर भी एक चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर ए का मीनिंग क्या है, सपोज यहां पर एक हम एरिया ले रहे हैं और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं, तो यहां पर ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस टाइप से सिमिलरली यहां पर होगा। तो एरिया वेक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, ये एंगल है थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर। एंड वॉट इज एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर हैज द डायरेक्शन, हैज द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, द प्लेन इन विच कंप्लीट लूप इज देयर, द एरिया वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट लूप। ओके, वी कैन से दैट। तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज एक ये रिंग है, ये रिंग पुट किया हुआ हमने एक्स वाई प्लेन पर, इस प्लेन पर पुट किया है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट आई कैप डायरेक्शन। ओके, ये जो रिंग लिया है मैंने, इस रिंग का रेडियस है सपोज आर, तो बताना है कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां पे क्रॉस करके नहीं निकल रहे, कैसे जा रहे हैं, टेंजेंशियली जा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे। क्रॉस नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह, ठीक है ना। फिर भी अगर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हुआ तो हम इस टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बी नॉट एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। नाउ एंगल, व्हाट इज द एंगल, एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर आउटसाइड हो जाएगा या इनसाइड हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पर है, तो यहां पर थीटा 90 हो जाएगा, देन कॉस 90 विल बी जीरो। क्लियर, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा है लूप को। ओके, समझ आया ये, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही टाइप का ही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करते हैं, है ना। फिर सेकंड टाइप का आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वेरिएबल होगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था कॉन्स्टेंट, आई कैप डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा था। अब हम लेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तब इस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसका यूनिट लिख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ऐसा यूनिट मैक्सवेल होता है सीजीएस यूनिट, ये वेबर लिखो, ऐसा यूनिट इसका वेबर होता है। चलो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, देखो सपोज यहां पर हमने ये करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग वायर ले लिया, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, तो लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला है मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर, मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ओके, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कंटिन्यूअसली। ओके, तो बताओ किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म तो कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट नहीं, डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ऐसे सर्कुलर लूप होता है ऑल अराउंड। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के साइड है ए एंड बी। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस फ्रेम। ओके, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस फ्रेम में। फ्रेम का डिस्टेंस है इस कॉर्नर से सपोज स्मॉल एल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस डायरेक्शन में, इनवर्ड, करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत स्ट्रांग, और आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा वीक, ठीक है, कम होती जाएंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेटर हम डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हैं कि बी इंटू एरिया, लेंथ इंटू विथ हमने पुट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का वो कॉन्स्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, बी चेंज हो रहा है। तो इस मेथड को हम यूज में लेंगे, क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे, उस स्मॉल एरिया में निकालेंगे फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एलिमेंट लेते हैं एरिया निकालने के लिए, जब हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब एलिमेंट कैसे लें, एलिमेंट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, जैसे यहां पर स्ट्रक्चर लीनियर टाइप का है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो एलिमेंट भी रेक्टेंगुलर ले लो, अगर सर्कुलर आर्क जैसा हो तो आर्क एलिमेंट ले लेना, ठीक है। तो यहां पर हमने ले लिया एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का मैं थिकनेस लेता हूं dx, थिकनेस हो गया dx, और इस एलिमेंट का वायर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये है सपोज x, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज स्मॉल x, ठीक है। एलिमेंट का लेंथ इनटू विड्थ अगर हम देखें, एरिया अगर देखें इसका स्मॉल एरिया, तो क्या होगा, ये हो गया a और ये हो गया dx, तो लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा इसका, स्मॉल एलिमेंट का एरिया आया a इंटू dx। बताओ इस स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स कितना पास होगा, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने एक्स अज्यूम किया सिंबल, जनरल सिंबल, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दोनों के हेल्प से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट से क्या फ्लक्स पास होगा, ठीक है। चलो क्या आएगा फ्लक्स, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी, ये है म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई एक्स इंटू डीएक्स। ओके, हमें निकालना है इस कॉर्नर से यहां पर पूरा कंप्लीट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो देखो अगर एलिमेंट्स को, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा रेक्टेंगल। तो ऐड करने को ही मेथड को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं यहां पर, है ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे मैम जी। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा ये फॉर्मूला डायरेक्ट, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे यहां पर, है ना। अब एक एंगल और देखना होता है समय, तो देखो ध्यान से इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड जो भी है तो परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो दोनों में एंगल हो गया जीरो डिग्री, जीरो या 180 जो भी हो, ठीक है। तो एंगल अगर जीरो या 180 है तो उस केस में आंसर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेटर करके देखेंगे एंगल, ये डॉट को रिमूव करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर ये टर्म जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो टर्म रहेगा, ठीक है। चलो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्लक्स फाइव हो जाएगा लिमिट जीरो टू फाइव, सॉल्व करके फाइव आया, इसमें मी नॉट आई ए अपॉन टू पाई आ गया कॉमन, अंदर बचा वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। अब लिमिट क्या रखेंगे हम एक्स का, क्योंकि इस स्मॉल एलिमेंट को यहां से स्टार्ट करेंगे हम एक्स इक्वल टू एल से, एक्स इक्वल टू एल से इस कॉर्नर तक, ये कॉर्नर का कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कॉर्डिनेट हो गया डिस्टेंस एल, इस पॉइंट का हो गया एल प्लस डी, एल प्लस डी, ओके। तो ये हमारा लिमिट हो गया यहां पर एल टू एल प्लस डी। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए लॉग, अपर लोअर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एल प्लस डी अपॉन एल, ये आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो अगर वेरिएबल सिस्टम है तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, क्लियर है सबको। तो ये तो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि कोई क्लोज सरफेस है उसमें बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, तो क्लोज सरफेस में क्या होगा, देखो जैसे मैंने यहां पर ये वायर लेता हूं, ये वायर ले लिया मैंने, यहां पर मैंने एक सपोज इस टाइप का ले लिया सरफेस, ये ठीक है, ये एक सरफेस है, बोला है कि बताओ कैलकुलेट करो इसमें कितना फ्लक्स पास होगा, ये एक स्क्वायर है एल साइड का स्क्वायर, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप,
ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान से अगर इस रीजन में हम देखें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन वर्ड फील्ड लाइन अंदर जाएंगे, और अगर इस रीजन में हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगे, आउटवर्ड आएंगे। इनसाइड अगर जाएंगे सपोज ये वाला फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज अगर ये एंगल हुआ जीरो डिग्री तो ये एंगल 180 हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये एंगल एरिया वेक्टर के साथ 180 हुआ तो ये जीरो डिग्री हो जाएगा। कुल मिलाकर एक डायरेक्शन से फ्लक्स अंदर जाएंगे और एक डायरेक्शन से फ्लक्स आउटसाइड आएंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नेट जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्लियर है चीज। तो थोड़ा हमें ये ध्यान भी रखना है कि फील्ड लाइन अगर सपोज 10 ये फील्ड लाइन अंदर गया और 10 फील्ड लाइन अगर बाहर आ गया वापस, तो उस कंडीशन में नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम मैग्नेट का बात करें, सपोज ये एक स्फीयर है, इसमें हमने अंदर मैग्नेट पुट कर दिया, मैग्नेट में तो सिंगल पोल होते ही नहीं है ना, मोनोपोल होते हैं ऑलवेज। तो यहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड जाएंगे और सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन साउथ पोल से वापस रिटर्न होकर आ जाएंगे। सेम यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग, तो आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों सेम है, तो नेट फ्लक्स यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, बी डॉट एरिया वेक्टर इक्वल टू जीरो इन ए क्लोज लूप, क्लोज है ना स्फीयर, तो किसी भी क्लोज लूप में अगर हम देखें तो अगर तो यहां पर क्या होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल है, नेट फ्लक्स हो जाएगा हमेशा जीरो, ठीक है, क्लियर है, ये लिख लेना गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका यूज होगा मेनली जब हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं ईएम वेव चैप्टर में, तो वहां पर एक इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है सबको, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद, ये करंट कैरिंग वायर है, खुद ट्राई करना। यहां पर मैंने एक लूप लिया है, ट्रायंगुलर लूप ऐसा ले लिया, ठीक है, इक्विलेटरल ले लिया ट्रायंगल, इसका ये जो डिस्टेंस है ये भी एल है। तो क्वेश्चन है इसमें बताओ कितना फ्लक्स इस समय पास हो रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ट्रायंगल, ओके। ये क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क लिख दो इसको। आई करंट है, यहां से आई करंट फ्लो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एलएलएल सिर्फ सब सेम है तो दिख ही रहा है इक्विलेटरल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्लक्स को अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, ठीक है। अब है हमारा ये जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहां पर क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी एरिया के थ्रू, जैसे ये नॉर्थ साउथ हमने लिया, एक बार मैग्नेट लिया, और यहां पर मैं एक कॉइल ले रहा हूं, ऐसा रिंग ले लिया मैंने ना, रिंग ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ इधर, ठीक है, और यहां से मैग्नेट ऐसे पास आ रहा है या दूर जा रहा है। तो अगर हम मैग्नेट को स्टैटिक रखें तो यहां से क्या होगा, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे और फिर इधर से वापस उगाएंगे, होगा ना ऐसा, सेम यहां पर होगा। तो अगर हम इस पार्ट का बात करें, इस लूप का बात करें, तो यहां से क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस लूप से तो वापस नहीं हो रहा है रिटर्न, इस लूप से क्या हो रहा है, ओनली यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जब क्रॉस करके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो होगा, बिकॉज क्रॉस करके निकल रहे हैं, एक तो ये देखने का मेथड हो गया। अगर मैथमेटिकली चेक करें तो इस पार्ट का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए, एरिया वेक्टर प्लेन के, ये जो प्लेन है इसका ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम है पैरेलल हो गए, तो यहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो चलो फ्लक्स तो नॉन जीरो है ना, ठीक है, यहां पर फ्लक्स प्रेजेंट है, फ्लक्स इज नॉन जीरो, ये बात क्लियर है सबको, ऐसे रखा हुआ रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, यहां पर जब मैग्नेट को अगर हम मूव करें, अभी हम मैग्नेट मूव नहीं किया, स्टैटिक है, अब हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ये इंक्रीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखो जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें कुछ फील्ड लाइन इधर भी होंगे ना, जो आउटसाइड निकल जाएंगे, ये अंदर से क्रॉस करके नहीं जाएंगे, तो ये काउंट नहीं होंगे फ्लक्स में, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेट यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो ये जो फील्ड लाइन है जो आउटसाइड से जा रहे थे, ये भी अंदर से जाना स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेट के पास आने से क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो जा रहा था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैग्नेट को अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट को अवे मूव करेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सेम, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर हुआ। तो इस ऐसा करने पर क्या होता है कि जब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो इस पर क्या इफेक्ट होता है वो हमें बताया था, ठीक है ना। यहां पर ये जो लूप है, ये मैं सर्कुलर लूप ये ड्रॉ कर लेता हूं,
इस टाइप का है लूप है ना, और ये एक मैग्नेट था, तो मैग्नेट को ऐसे पास लेके जा रहे हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, फ्रंट में नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को अगर मैं इधर रखूंगा तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके जाएंगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जानते, ठीक है। अब मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अब ये मूव करूंगा देन इसी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन का इंक्रीज या डिक्रीमेंट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स का इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट ये जो हो रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, इनको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होते हैं। तो अब ये तो आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होते हैं, अब दूसरा बात आता है कैसे इंड्यूस होंगे, क्या डायरेक्शन होगा, है ना। तो वो डायरेक्शन के बारे में फैराडे ने तो कुछ बताया था, फैराडे लोग बोलते हैं उसको, वो मैं थोड़ा सा समझा के फिर मैं उसको डायरेक्शन का एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, उससे फिर क्या होता है वो समझा देता हूं, है ना। देखो यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना। कॉइल क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना, उसका अपोज करता है, ठीक है, उसका अपोज करता है। अब कैसे अपोज करता है वो सारा प्रोसेस देखना है, ठीक है। पहले हम मैग्नेट को पास लाए, अभी मैं पास लेके आया था, है ना, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट में, इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंसेंट्रिक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो गया, ठीक है। अंदर भी होंगे, थोड़ा बाहर भी होंगे, सरफेस पर तो होंगे, जो ये है सरफेस, इसको थोड़ा सा मैं थिक बना देता हूं, ये रिंग था मेटल वायर, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप के नॉन, इनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हमने अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उसमें क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते थे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट में है, इनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर अगर हम चार्ज पुट कर दें तो चार्ज को कंप्लीट लूप में अगर हम मूव करें तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, जबकि कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पे अगर हम अगेन लेके आएंगे, इनिशियल पे था अगेन फाइनल पर लेके आएंगे तो वर्क डन वहां पर जीरो रहता था, है ना, यहां पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहां पर वर्क डन होगा, मतलब लॉसेस भी होंगे, ठीक है। चलो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, अभी किस डायरेक्शन में होगा वो फैराडे लॉ से भी समझा दूंगा। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज्यूम कर लिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मैग्नेट पास आ रहा था, मैग्नेट पास आने से क्रॉस नॉर्थ पोल पास आ रहा था, नॉर्थ पोल पास आने से क्या हो रहा था, ये जो क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रहे थे, इनसे मैंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब देखो ये जो वायर पे इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, ये लगेगा फोर्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होगा, तो उससे चार्ज क्या होंगे, एक्सेलरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिया है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा ऐसे। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो करंट कहां जनरेट होगा, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है, तो करंट जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट सेटअप होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब इंड्यूस करंट जो यहां पर होगा इसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो अगर हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना आता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालना आता है तो हम इंड्यूस करंट का कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। जो कि मैं अभी समझाऊंगा किस टाइप से फैराडे और लेंज लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे उसे, है ना। अभी ये समझ में आ गया, तो यहां पर एक करंट सेटअप हो जाएगा, क्लियर है चीज। अब देखो जैसे मैं सपोज इसको लूप को ओपन कर देता हूं, क्लोज लूप नहीं, अब बताओ क्या होगा, करंट होगा क्या फ्लो, करंट तो फ्लो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो गायब नहीं होगा ना, मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूं नॉर्थ पोल को तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यहां पर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो लगता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, इधर गैदर हो गए और इधर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा ईएमएफ जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, करंट का फ्लो सेटअप नहीं हो पाएगा बिकॉज कॉइल यहां पर हमने ओपन लिया हुआ है, ठीक है, कॉइल यहां पर ओपन है इसलिए इधर करंट का फ्लो नहीं होगा, तो करंट जीरो होगा, इस समय इंड्यूस करंट कितना होगा जीरो, बट ईएमएफ होगा अभी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब नहीं हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे बट इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज।
चलो अब इसको हम समझते हैं फैराडे लॉ से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना है, ठीक है, क्लियर है चीज। चलो अभी इसको देखो, यहां पर अगर मैं मैग्नेट ले रहा हूं और ये कॉइल ले रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ पोल है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करके निकलेंगे बाहर, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेट को पास ला रहा हूं, सपोज मैग्नेट मूव कर रहा है, यहां पर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रहे हैं वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, सोचो ऐसे जा रहे हैं इधर, इधर एंट्री कर रहा है तो डायरेक्शन क्या बनाऊंगा, इधर मैं क्रॉस डायरेक्शन पास लेके आ रहा हूं मैग्नेट को, तो फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि दो हम फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल या डी आर, ये था। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी फाइव बाई डी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है उसके इक्वल होगा, ये तो बताया था फैराडे ने, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। लेंस ने बताया था कि यहां पर साथ में इधर माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन क्यों आएगा, माइनस साइन शो करेगा कि जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, ठीक है ना, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है रेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसका यहां पर जो इंड्यूस होगा ना, ये भी करंट वरंट सेटअप होगा वो अपोज करेगा, ठीक है, माइनस साइन का मतलब अपोज करेगा, मतलब कि जिस रेट से वो जनरेट हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट ये जो यहां पर इंड्यूस होगा वो किसका अपोज करेगा, जिस रीजन से वो जनरेट हुआ है उसी का अपोज करेगा, ठीक, क्यों कर रहा है अपोज क्यों कर रहा है, देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इनर्शिया ही तो है, कैसे इनर्शिया है, हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं फ्लक्स को, जब चेंज करते हैं किसी चीज को तो क्या करती है बॉडी चेंज का अपोज करती है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है बॉडी इस चेंज का अपोज कर रहा है, और ये अपोज करने का एबिलिटी ही इनर्शिया कहलाता था हमारा, ठीक है ना, मास हम बोलते हैं इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, वो इनर्शिया था, यहां पर इसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर कि हमने फ्लक्स को चेंज किया और कॉइल ने उसका अपोज किया, कैसे अपोज करेगा, देखो जब मैग्नेट इधर पास आएगा तो कॉइल पास आने का अपोज करेगा, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो कॉइल दूर जाने का अपोज करेगा, ठीक है, दो टाइप से ये चीज मैं अभी समझा देता हूं, है ना। फर्स्ट टाइप इधर देखो क्या वो कैसे अपोज करेगा, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस डायरेक्शन में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, तो कॉइल अपोज कैसे करेगा, कॉइल इस टाइप से करंट तो सेटअप होगा, ये बताई दिया अभी मैंने, है ना, अब करंट किस डायरेक्शन में सेटअप होगा, तो क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो इंक्रीमेंट है उसका अपोज करने के लिए कॉइल इस टाइप से करंट को सेटअप करेगा कि क्रॉस का इंक्रीमेंट का अपोज हो, क्रॉस में इंक्रीमेंट का अपोज कैसे होगा डॉट से, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो वो इंक्रीज हो रहा है 100 200 300, तो कॉइल इस टाइप से करंट को सेटअप करेगा कि यहां पर जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसका अपोज हो, तो अपोज कैसे होगा आउटवर्ड डॉट डायरेक्शन, तो डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट का अपोज करने के लिए डॉट डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा, डॉट डायरेक्शन में इंड्यूस कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस कैसे करेगा जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, किस केस में, व्हेन इनवर्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, ठीक है, समझ आ गया कैसे, ये अपोज लेंज लॉ का मीनिंग क्या है, लेंज लॉ का यही मीनिंग है कि जो जिस रीजन से ये इंड्यूस रीजन का अपोज करता है, किस रीजन से इंड्यूस हो रहा है पास आने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने के कारण हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट का अपोज कैसे किया डॉट डायरेक्शन में, क्रॉस कैंसिल आउट करके किया उसको, जो इंक्रीमेंट हो रहा है क्रॉस इंक्रीमेंट इनको कैंसिल आउट करके अपोज किया, ठीक है, तो समझ आ गया इंक्रीमेंट का अपोज कैसे करते हैं, अब डिक्रीमेंट पे आ जाते हैं, सपोज मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूं अवे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा नॉर्थ पोल अवे जाएगा, नॉर्थ पोल अवे जाने का मतलब हुआ क्रॉस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल क्या करेगा इस चेंज का भी अपोज करेगा, इधर चलो कैसे अपोज करेगा क्रॉस डायरेक्शन में डिक्रीमेंट का अपोज करना है, अब डिक्रीमेंट का अपोज कैसे करेंगे, डिक्रीमेंट का अपोज कैसे कर सकते हैं हम इंक्रीज करके, तो कॉइल क्या करेगा इसी डायरेक्शन में और इंड्यूस कर देगा फील्ड को, डिक्रीमेंट हो रहेगा डिक्रीमेंट का अपोज करने के लिए क्या करेगा क्रॉस सेम क्रॉस डायरेक्शन में और ज्यादा फील्ड लाइन को इंड्यूस कर देगा, तो क्रॉस डायरेक्शन में अगर इंड्यूस करना है मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने चाहिए, थंब अंदर रखेंगे तो फिंगर्स का डायरेक्शन देखो क्या होगा क्लॉकवाइज,
इसका मतलब यह है कि यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को पास लाने से क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से क्या हुआ, क्लॉकवाइज करंट। एक तो ये मेथड हो गया समझने का क्वेश्चन को, ठीक है, समझ आ गया मेथड। एक और एग्जांपल लेता हूं फिर दूसरा मेथड बताऊंगा, है ना, गेस करना इस बार। ये सपोज साउथ पोल है, मैग्नेट है इसका, ये साउथ पोल, इधर कॉइल रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं साउथ पोल को पास लेके जा रहा हूं। अब ये सोचता है जैसा इसमें होगा उल्टा कर दे, एकदम लॉजिक से सोचना है, ये समझ लो ये पढ़ाई नहीं तुमने कुछ भी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेट पास जा रहा है, साउथ पोल है तो साउथ पोल का बताओ प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटगोइंग होंगे या इनकमिंग होंगे, इनकमिंग होंगे, इनकमिंग होंगे मतलब ऐसे आएंगे यहां से निकल के, ऐसे आएंगे। तो अगर हम यहां से देखें ये ऑब्जर्वर, तो उसको क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आता हो इस कॉइल से, बाहर आता हो दिखाई देगा, कॉइल में अंदर जाता हो दिखाई देगा, आउटसाइड आता हो दिखाई देगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है, अगर बाहर आ रहा है क्योंकि साउथ पोल है ना, नॉर्थ से आउटसाइड जाते हैं साउथ में एंटर करते हैं। तो कॉइल से अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस या डॉट, इधर से देखेंगे तो बाहर आ रहा है ना, डॉट, समझ आ गया। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पर, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, अभी मैं पास नहीं ला रहा, सपोज ऐसी मैग्नेट रखा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है साउथ पोल के होने से, ठीक है, डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है ऐसे, क्लियर। इधर साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर आ रहे हैं साउथ पोल पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं, बताओ क्या होगा, मैग्नेट पास जा रहा है, बताओ किस टाइप से यहां पर इंडक्शन होगा, सोचो मैग्नेट पास जाएगा तो बी पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, बी हमेशा इंक्रीज होगा पास जाने से, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फिर फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होगा, डॉट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉइल क्या करेगा, इंक्रीमेंट का अपोज करेगा, कैसे अपोज करेगा, सोचो डॉट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट का अपोज करना है, कैसे करें, क्रॉस डायरेक्शन को इंड्यूस कर दो, ठीक है ना, डॉट डायरेक्शन का अपोज कैसे करना है, इंक्रीमेंट का अपोज करना है, इंक्रीमेंट का अपोज कैसे करना है, कैंसिल आउट करके, तो डॉट डायरेक्शन कैंसिल आउट कैसे करोगे, क्रॉस में इंड्यूस करके, तो क्रॉस में इंड्यूस हमें करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें क्रॉस में इंड्यूस करना है तो करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, तो करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, जब मैग्नेट ये नॉर्थ, अगर ये ऑब्जर्वर है, इधर मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो हमें क्या करंट दिखाई देगा, इधर हमें क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तो ये मेथोडोलॉजी हो गया इसको समझने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमें आना भी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये है कि यहां पर देखो नॉर्थ पोल पास जा रहा है, कॉइल क्या करता है, अपोज करता है, क्या अपोज करता है, चेंज का अपोज, चेंज क्या है यहां पर, मैग्नेट का पास जाना, तो मैग्नेट के पास आने का अपोज कैसे करेगा, बताओ रिपेल करके करेगा या अट्रैक्ट करके, पास जाने का अपोज, ये कॉइल है, कॉइल को अपोज करना है, कैसे करेगा अपोज बताओ, मैग्नेट पास जा रहा है कैसे अपोज करे, इसको रिपेल करे या अट्रैक्ट कर दे, ऑब्वियस बात है, पास आने का अपोज कैसे करेगा, रिपेल करके, रिपेल कैसे करे, सोचो नॉर्थ पोल को रिपेल करना है, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए यहां पर इस टाइप से करंट सेटअप होगा कि ये जो फ्रंट फेस है, जो सामने वाला फेस है, ये नॉर्थ पोल ही बन जाए, ठीक है। क्या करना है, नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करना है, मतलब नॉर्थ पोल को हमें रिपेल करना है, कैसे करेंगे रिपेल, नॉर्थ पोल नॉर्थ ही कर सकता है रिपेल, और नॉर्थ कैसे होता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसमें जब हम देखते हैं तो वहां पर करंट फ्लो होने से वहां पर क्या होता है, पोल क्रिएट हो जाते हैं, बोला था एक करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो इसी टाइप से यहां पर करंट जो इंड्यूस होगा उससे यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो कैसा करंट इंड्यूस हो कि नॉर्थ पोल बन जाए, सोचो हमें क्या करना है, हमें इधर नॉर्थ पोल बनाना है, ये नॉर्थ पोल, ये फेस नॉर्थ पोल की तरह वर्क करना चाहिए, कैसे करेगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हैं, ये कब आएंगे, देखो हमको आउटसाइड रखो, करंट क्या होगा, ये होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या पता लगा कि अगर हमें यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो चीजें हमें फिक्स याद रखनी है, मेमोराइज कर लो इसको, क्लॉकवाइज करंट का मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब बाहर निकल रहे मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बाहर आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है इस चैप्टर में, जिससे हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़े, ठीक है, हो जाएगा दोनों याद, तो अगर ये याद है तो फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करके दोबारा से ये सब क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन डायरेक्शन वाले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले कम है, ज्यादा नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूले, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है, क्वेश्चन है कि मैग्नेट दूर जा रहा है, बताओ यहां पर कौन सा स्पेस पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, पोल, करंट बाद में देखेंगे, कौन सा पोल इंड्यूस हो, नॉर्थ या साउथ, इधर से देखने के लिए ऑब्जर्वर है, मैग्नेट दूर जा रहा है, कौन सा पोल इंड्यूस होगा,
कॉइल अपोज करेगा, दूर जाने का अपोज कैसे करेगा बताओ, रिपेल करके करेगा या अट्रैक्ट करके, दूर जाने का अपोज करना है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कैसे करेगा, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ या साउथ, साउथ करेगा, जिसका मतलब ये कैसे दिखाई देगा फेस, साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्या होता है, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज, जिसका मतलब यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो जैसे ही मैग्नेट अवे जाएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेटअप हो जाएगा, इधर से मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, समझ में आ गया, इधर से देख ले, अगर इधर से साउथ पोल है तो बताओ बैक पार्ट क्या होगा, नॉर्थ पोल, ऑब्वियस बात है, तो अगर ऑब्जर्वर इधर है तो क्या दिखाई देगा उसको, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर इधर ऑब्जर्वर है O2, इसको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज और इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा क्लॉकवाइज, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, और ले एग्जांपल, जल्दी गैस करना है आपसे बात, ठीक है, ये कॉइल है, उल्टा रख दिया मैग्नेट, साउथ नॉर्थ, कॉइल इज मूविंग अवे, अवे जा रहा है कॉइल, ये ऑब्जर्वर है, क्या करंट दिखाई देगा, ओ वन ऑब्जर्वर को, सोचो अवे जा रहा है, अवे जा रहा है तो फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या होगा, इसी टाइप का होगा कि जैसे मैग्नेट का दूर जाना, फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब वही हो जैसे मैग्नेट का दूर जाना, भाई ये दूर जाए या दूर जाए, दूर जाना ही हुआ ना, ये अवे मूव करे या फिर ये अवे मूव करे, बात तो यही है, फ्लक्स कम होगी तो इसको अवे, ये जो अवे मूव कर रहा है इसकी जगह मैं एज्यूम कर देता हूं कि ये अवे मूव कर रहा है, क्योंकि यहां से बैठ के देखोगे तो तुम्हें मैग्नेट पीछे जाता हुआ दिखाई देगा ना, एक ही बात है, रिलेटिव मोशन ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो बताओ क्या इंड्यूस होगा यहां पर, सुन मांगे सबको, अवे जाएगा साउथ पोल, दूर जाएगा तो कोयला पोज करेगा, दूर जाने का पोज कैसे करेगा, अट्रैक्ट करके, अट्रैक्ट मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई देगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, और अगर ऑब्जर्वर यहां पर हुआ तो इधर नॉर्थ, इधर से नॉर्थ दिखाई दे रहा है तो इधर से साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज, क्लियर, इसी टाइप से ये अगर हमें पूरा इस फिनोमेना अच्छे से समझ में आ गया है तो हम बहुत जल्दी से आंसर को क्लिक कर सकते हैं, यहां पर स्पीड मैटर करेगा, ठीक है, स्पीड अगर अच्छा है तो बहुत जल्दी हम आंसर बता पाएंगे, क्लियर, अब आ जाते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पे, डायरेक्शन तो देख लिया, अब कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा, जो यहां पर फॉर्मूला था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो भी ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा था ई डॉट डी आर, लिखता है डीएल भी लिख सकते हो, डीआर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, यहां पर फाई क्या है, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, और वी कैन से बी ए कॉस थीटा, अगर नंबर ऑफ टर्न एन टाइम्स होंगे तो एन और लगा देना साथ, ठीक है, ये एक कॉइल के लिए लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले, ओके, चलो इतना समझ में आ गया सबको, अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना इधर से, है ना, अभी समझा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसमें देखो करंट अगर निकालना है हमें, ये कॉइल जो देते ना कॉइल, उसका रेजिस्टेंस दिया होगा आर, तो करंट कितना इंड्यूस होगा, करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, इसमें हम करंट निकाल सकते हैं, अगर चार्ज बोल दिया कि चार्ज कितना फ्लो होगा तो आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा आई डी टी, किसी इंस्टेंट पे करंट अगर हमें बताना है कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसमें अच्छे से बता सकते हैं, माइनस वन अपॉन आर इंटू डी फाइव डी टी, यहां पर कैंसिल आउट हो गया डिनोमीटर न्यूमीटर से, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, चार्ज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, पावर बता सकते हैं, है ना, वी पता है, आई पता है, पावर निकाल लो आराम से, ये आई स्क्वायर आर करके पावर निकाल सकते हो, क्लियर है चीज, सुन में इतना पार्ट, अब अगर क्वेश्चन बोलेगा बताओ टी टाइम में कितना हीट जनरेट होगा, निकाल लोगे आई स्क्वायर आर टी कर देना, आर रेजिस्टेंस है वहां पर, करंट फ्लो ही रहा है, चलो अब देखो इसमें ये जो फिनोमेना है इसमें और क्या क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि मान लो फ्लक्स दे दिया ऐसा कुछ, फ्लक्स दे दिया सपोज ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस वन, ये फ्लक्स है, बताओ टी इक्वल टू वन सेकेंड पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और फिर उसके बाद निकालेंगे कितना ईएमएफ होगा, है ना, ईएमएफ निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, टी स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस टी, तो ये हो जाएगा फोर टी माइनस सिक्स, वन का जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं टी इक्वल टू वन, तो आंसर आया यहां पर सॉल्व करके टू वोल्ट, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है हमें और माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन इसको नहीं भूलना हमें, ठीक है ना, माइनस को लास्ट में मल्टीप्लाई करना, समझ में आ गया क्वेश्चन,
फिर सेकंड टाइप का हम क्वेश्चन मान सकते हैं कि इनिशियल फ्लक्स दे देंगे, फाइनल फ्लक्स दे देंगे, उससे सॉल्व करना। जैसे यहां पर बोला है कि ईएमएफ निकालो, इनिशियल और फाइनल फ्लक्स दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इस मेथड से हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन बोला कि एक कॉइल रखा हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, मैक्सिमम का बताओ क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब बी इंटू ए। जब भी बोलता है कि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब बी इंटू ए, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्वेश्चन बोल दिया कि एक कॉइल है, उससे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। अब कॉइल 180 रोटेट हो गया, ठीक है, तो टी टाइम है, टी टाइम मतलब दो सेकंड थ्री सेकंड, उसमें 180 रोटेट हो गया, तो बताओ ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो 180 रोटेट होने का मतलब क्या हुआ, cos 180 हो जाएगा माइनस बी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ, इधर हो गया बी और ये हो गया माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस, तो ट्वाइस बी ए आ गया, डिवाइड बाय जो भी टाइम इंटरवल है वो इधर पुट कर देना क्वेश्चन में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इधर बन सकते हैं, साथ में नंबर ऑफ टर्न भी आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न अगर दिया हो तो एन रख देना, नहीं दिया तो हटा देना, ठीक है, समझ आ गया। इनिशियल में मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था, कॉइल को 180 हमने रोटेट किया डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो बताओ कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो कॉइल क्योंकि रोटेट हो रहा है, कॉइल रोटेट होगा ऐसे, तो फ्लक्स तो कम होंगे ना, इंक्रीज डिक्रीज होंगे फ्लक्स, अगर फ्लक्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहां से न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको इस बार। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए देखना है, फ्लक्स कैसे चेंज होगा, देखो बी चेंज करो, ए चेंज करो, थीटा चेंज करो, तीन मेथड है ना, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो तो हो जाएगा, एरिया को चेंज कर दो हो जाएगा, थीटा को चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा, है ना। अभी मैं एरिया को चेंज करता हूं, देखो सपोज यहां पर एक लूप है, ये एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें लूप का जो रेडियस है वो सपोज इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, सपोज डी आर अपॉन डी टी दिया है क्वेश्चन में अल्फा, ठीक है, और अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, अल्फा पॉजिटिव मतलब जैसे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा कोई रेट दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे कि इस रेट से टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है रेडियस, तो उसको मैंने अल्फा सिंबल दे दिया यहां पर, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस समय रेडियस कैपिटल आर है या स्मॉल आर है इस समय, तो बताओ कितना यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा इस इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें ईएमएफ बताना है, जिस रेडियस है कैपिटल आर और रेडियस में इंक्रीमेंट है अल्फा, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं हम यहां पर, ये हो गया हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला, माइनस डी फाई बाय डी टी, फाई का वैल्यू पुट कर देता हूं, डी इंटू एरिया, सर्कुलर कॉइल का एरिया बताओ क्या होगा, सोचो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया वेक्टर इस कॉइल पे परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों में एंगल जीरो डिग्री है, तो मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू पुट कर दो इधर, माइनस डी आउटसाइड आ गया, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू इंटू आर, और आर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी को अल्फा पुट कर देंगे, आर क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल आर रख दो इसको, तो यहां से सोल्व करके हमारा आंसर आया माइनस डी पाई टू आर अल्फा, ये आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद कर दो, फॉर्मूला तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में गया है। अब मान लो बोल दिया नंबर ऑफ टर्न और 100, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ टर्न तो है नहीं सर, ने बताया नहीं, एन टाइम्स कर देना, लॉजिक समझना है मेनली, ठीक है, इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रेडियस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो तो। यहां पर मैंने इंक्रीमेंट लिया इसलिए मैंने इधर अल्फा को पॉजिटिव पुट किया था, अगर ये डिक्रीमेंट होगा तो अल्फा नेगेटिव आता, तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाता, आंसर पॉजिटिव हो जाता, अभी आंसर नेगेटिव है वरना आंसर पॉजिटिव होता, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया, एक तो आप बी को चेंज करके कर सकते हैं, दूसरा एरिया को चेंज करके। अब थीटा को और कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तो अभी देखा था हमने 180 घुमा के किया था हमने, दूसरा मेथड देखो थीटा को चेंज करने का, देखो यहां पर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को रोटेट करना है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहां पर हमने ये कॉइल ले लिया, इस कॉइल को हम एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहां पर हमने कुछ शाफ्ट वगैरह सिस्टम लगा दिया इस कॉइल को, ये सिस्टम इसको बोलते हैं, कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के काम आता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल रोटेट होता है तो वहां से फ्लक्स चेंज होंगे,
है ना, कैसे चेंज होंगे वो समझ लेते हैं। पहले हम देखो, जैसे सपोज ऐसे मान लो कि ये कॉइल है, तो ये कॉइल का हो गया एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड पहले सोचो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये हो गया कॉइल, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 है इस समय। अब कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, रोटेट हो रहा है, बताओ थीटा चेंज हो रहा है या इन दोनों बीच में एंगल हो रहा है ना। अब थीटा हो गया 0 डिग्री, और रोटेट हो 90 डिग्री, और रोटेट हो जाओ 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर ये जब रोटेट होगा तो एंगल चेंज होंगे, हो रहा है एंगल चेंज, तो और अगर एंगल चेंज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी हम ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगल जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, पूरा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो हम थीटा को ओमेगा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। सपोज यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, ईच ये जो टर्न है इनका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। यहां से हम इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा अपॉन टी, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, ये पुट करना है, ठीक है। तो मैंने पहले यहां पर फ्लक्स लिखा, फ्लक्स आया बी एन नंबर ऑफ टर्न ए एरिया कॉस ओमेगा टी, ये हो गया फ्लक्स। ईएमएफ निकालना है, माइनस डी फाइव बाय डी टी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस, माइनस में आएगा ना साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी एन ए, और जब ओमेगा टी को करोगे तो ओमेगा आउटसाइड आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू में ये जो है बी एन ए ओमेगा, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। साइन ओमेगा टी फंक्शन इधर, ये जो बी एन ए ओमेगा है ये क्या है, ये हो गया ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब साइन थीटा वन होगा मैक्सिमम होगा तो ये आएगा आंसर। तो इसको हम एक शॉर्ट सिंबल दे देते हैं ई नॉट, ईएमएफ आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्योरिटी कर गया, है ना। ईएमएफ कैसा है, प्योरिटी फंक्शन है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में वाइब्रेट होता रहता है, रोटेट होता है, तो एसएचएम वगैरह पढ़ा था ये चीज हमने, है ना। तो ये प्योरिटी फंक्शन आ गया, इसका मतलब जो ईएमएफ है वो चेंज होगा बार बार, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, इस टाइप से चेंज होता जाएगा, ठीक है। और ये हो गया वैल्यू इसका ईएमएफ का। नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट, तो अगर आर रेजिस्टेंस है तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा यहां पर आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, मतलब बी एन ए ओमेगा अपॉन आर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा फंक्शन साइन ओमेगा टी, ये करंट का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है जी, तो ये करंट का जो फॉर्मूला है इसको भी हम पीक वैल्यू फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट में, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये फॉर्मेट याद रखना, ये नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक है, नेक्स्ट चैप्टर में करंट और ईएमएफ जो है एसी जो पार्ट है उसमें हम ये इक्वेशन से ही सारा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को अपन 2 पाई एफ लिख सकते हैं या 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा 2 पाई एफ और 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी, ये ओमेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको ये चीज, तो ये हम जब हमने क्या किया, एंगल को चेंज किया, एंगल जब कंटिन्यूअसली चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, देखो बी चेंज नहीं हो रहा, बी रोटेट हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कॉइल रोटेट हो रहा है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको, क्लियर है। चलो अब इसका एक और एप्लीकेशन बताते हैं, एक टाइप और क्वेश्चन यहां पर आता है, जो भी डिवाइस बनाए इसको डायनेमो भी बोलते हैं, डायनेमो या एसी जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, डायनेमो और एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर की अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो भी इक्वेशन लिखा है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी, ओके। चलो एक आता है फिर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, जैसे ग्राफ दे देंगे, फ्लक्स और टाइम में ग्राफ, फ्लक्स सपोज पहले इंक्रीज हुआ, फिर कॉन्स्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और टाइम के साथ साथ हमें बोलेंगे कि ईएमएफ टाइम ग्राफ बना दो इसका, टी वन टी टू टी थ्री टाइम के बीच में इसी का ईएमएफ टाइम ग्राफ, ठीक है। फ्लक्स टाइम ग्राफ दे दिया, ईएमएफ टाइम हमें ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है इस टाइम इंटरवल में, फिर इस टाइम इंटरवल में, फिर इसमें अब हमें इसको ड्रॉ करके देखते हैं, टाइम इंटरवल टी वन टी टू टी थ्री, ओके। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें अगर हम फॉर्मूले में देखें
तो ये जो डी फाइव बाई डी टी पार्ट है फाइव ओ टी ग्राफ है तो डी फाइव बाई डी टी प्लस का मतलब माइनस ऑफ टेन थीटा लिख सकता हूं मैं। स्लोप जो होता है स्लोप को क्या लिखते हैं टेन थीटा और माइनस साइन साथ में यहां पर, ठीक है। तो मैं स्लोप से ही बता दूंगा, पूरा ग्राफ जो है वो इसका स्लोप देख के बन जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो पहले देखो जीरो से टी वन टाइम के बीच में क्या होगा, तो जीरो से टी वन टाइम के बीच में अगर हम देखें तो स्लोप देखो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये देखना है बस हमें। कॉन्स्टेंट तो होगा ही, स्लोप टेन थीटा कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब आंसर कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब ऐसे लाइन है, लाइन ग्राफ आएगा। दूसरा बात है क्या होगा यहाँ पर, टेन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव, थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से स्मॉल है, टेन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव। तो फर्स्ट जो हमारा ईएमएफ आया वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव कॉन्स्टेंट बताओ कहाँ बनाया, नीचे या ऊपर, ऑब्वियस बात है नीचे बनाएंगे, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऊपर होता है, नेगेटिव कॉन्स्टेंट नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लाइन बन गया। नेक्स्ट फिर टी वन से टी टू के बीच में, टी वन से टी टू के बीच में अगर ध्यान से हम स्लोप देखें, एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो है जीरो डिग्री, जिसका मतलब यहाँ पर थीटा जीरो डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो ईएमएफ जीरो हो गया, इस रीजन में ईएमएफ हो गया जीरो। फिर नेक्स्ट रीजन आ गया ये, इसमें अगर ध्यान से देखें तो थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ईएमएफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वैल्यू, समझ आ गया, कॉन्स्टेंट ही होगा, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल तो चेंज होगा नहीं थीटा, तो ये ग्राफ आ जाएगा टोटल, ठीक है, समझ आ गया। इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंस दो है, एक तो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो बात तो है ही, लास्ट में जो मिस्टेक वाला पार्ट है वो होता है माइनस साइन, माइनस को भी यहां पर मल्टीप्लाई हमें करना होता है, ठीक है, क्लियर है चीज। सेकंड मेथड हो गया कि इक्वेशन से बना लो, जैसे अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वाई इक्वल टू एमएक्स लिख दो इसको, वाई एक्सिस पे है फ्लक्स, स्लोप है पॉजिटिव, एम ही रहने देता हूं, और एक्स एक्सिस पे टी, ये फाई हो गया, डिफरेंशिएट कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ईएमएफ आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एम और माइनस से मल्टीप्लाई, तो ईएमएफ कितना आया माइनस एन, तो माइनस एन तो नीचे होगा कॉन्स्टेंट वो भी मैं माइनस में, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर ग्राफ आ जाएगा, और ये अगर इसका देखें तो ये कॉन्स्टेंट है, फाइव इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। इस मेथड से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड हमें आना चाहिए, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन ये नहीं होता, ऐसा ग्राफ होता, सपोज पैराबोला, ऐसा ग्राफ होता, ठीक है, ये ग्राफ है, ये क्या है पैराबोला है, क्वेश्चन में बोल देते पैराबोला, तो पैराबोला से देखते हमें क्या पता लगा, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे आंसर थोड़ी निकालना, यहाँ पे तो हम ग्राफ बना रहे हैं ना, ग्राफ में कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू पता होने से मतलब नहीं है, मेन बात क्या है कि इनका आपस का वेरिएबल का रिलेशन क्या होगा, वाई और एक्स का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पैराबोला क्वेश्चन में अगर बोल देंगे ग्राफ, तो हमें ये पता लग गया कि फाइव प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करें यहाँ पर तो टी स्क्वायर का होगा ट्वाइस टी, और माइनस साइन तो आता ही है साथ में। तो यहां पर अब देखो ईएमएफ और टाइम में कैसा ग्राफ है, ईएमएफ का पावर वन टी का पावर वन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ सी नहीं है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप नेगेटिव है, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखो तो स्लोप है नेगेटिव, सेकंड स्लोप नेगेटिव है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आ जाएगा, समझ आ गया सबको, ठीक है, इसको कर दो नोट आउट सब लोग। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है इसका नेचर होता है नॉन कंजर्वेटिव, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सेम होता है, ये भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये कुछ पॉइंट प्रीवियस क्लास में हमारा हो चुका था डिस्कस, ठीक है। फिर यहां पर आता है कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एक हमने सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले देखो फ्लक्स जीरो है नॉन जीरो है, देखो एरिया को क्रॉस कर रहा है नॉन जीरो है, ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व आगे। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का इस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, डीवी बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव है, इसको मैं प्लस अल्फा लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो उसका कॉइल अपोज करेगा, इंक्रीमेंट का अपोज कैसे करेगा,
अपोजिट अपोज करने के लिए क्या करेगा, क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट का अपोज करना है तो डॉट डायरेक्शन में इंड्यूस, डॉट डायरेक्शन का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। दोनों का डायरेक्शन सेम बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर अगेन ड्रॉ कर देता हूं, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर बाहर, ठीक है। ये हमारा मेन कॉइल था, ठीक है। इस कॉइल के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज किया तो उसे क्या हुआ, कैसे कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब हमें कैलकुलेशन करना है, वैल्यू निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन करना है, ओके। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सेंटर से एक डिस्टेंस अज्यूम किया, जैसे सेंटर से जो डिस्टेंस है वो जनरली हम स्मॉल आर सिंबल लेते हैं, तो मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक ले लिया सिंबल स्मॉल आर, कोई भी पी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लेता हूं आउटसाइड, यहां पर निकालना है मुझे, ठीक है, ये जो मैं यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड, सेंटर से डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होने वाले एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन इंटीग्रेट कर देंगे। लाइन इंटीग्रेशन याद है कुछ, एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रेशन वही से ई डॉट डी आर। अब यहां पर अगर हम इसको देखें आर को, तो डी आर या डीएल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रहता, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, डॉट रिमूव हो जाएगा, ई डी आर आ जाएगा। डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सर्किल, और सर्किल का कंप्लीट जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये लाइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, टू पाई आर, तो ये टर्म बन जाएगा टू पाई आर। तो अगर हम पूरा इसको सॉल्व करें, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं आउटसाइड के लिए, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये लिख सकते हैं हम, ये आ गया टू पाई आर, लाइन इंटीग्रेट किया हमने, ई इंटू टू पाई आर, क्लियर, इक्वल टू। अब देखो इस पार्ट को, डी फाइव बाई डी टी को देखो ध्यान से, फाइव क्या है यहां पर, बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया में एरिया कितना है कॉइल का, कितने एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया के अंदर है, ठीक है। तो जिस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो एरिया तो हम यहां पर पुट कर देंगे, आउटसाइड आ जाएगा, और अंदर बचा डीबी बाय डीटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट ही है ना, चेंज हो रहा है, माइनस साइन तो आएगा, साथ में ये टर्म आ जाएगा, माइनस यहां पर देखो दो थे, एक ये माइनस, एक ये माइनस, तो माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसको मैंने अल्फा लिखा है, अल्फा इधर पुट कर दूंगा, पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट, तो एक फॉर्मूला आया, ई इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू आर डीबी बाय डीटी अल्फा, ये यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन हम निकालेंगे किससे, इंड्यूस करंट, हमारा जो प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट था लेंज लो उसके थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ओके, समझ में आया सर। चलो सेकंड हम निकाल देना सरफेस पर, यहां पर तो सरफेस पर ये डिफरेंस होगा कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दो, बस स्मॉल आर को कैपिटल आर करोगे तो एक पावर एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम सरफेस का बात करें तो सरफेस पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आर बाय टू इंटू डीबी बाय डीटी, डीबी बाय डीटी को मैंने अल्फा सिंबल दिया है, अल्फा ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला अंदर निकालो, यहां पर निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, ये जो फील्ड लाइन जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेशन करना है तो अब देखो अंदर जो फील्ड लाइन है बस उन्हीं को देखेंगे हम, मान लो इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो अंदर से कौन से फील्ड लाइन जाएंगे, वही है ना फ्लक्स, ये वाला पार्ट ओनली, टोटल फ्लक्स से मतलब नहीं है, ओनली अंदर जो फ्लक्स है वही इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। तो अब हमें ओनली इनसाइड वाला फ्लक्स देखना है कि जो टोटल जो फ्लक्स है इसके कंपेयर में अंदर जो फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है, क्लियर है, इसी समझ में आ गया। चलो ये दो पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो, फर्स्ट हो गया आउटसाइड, सेकेंड हो गया सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हो गया होगा सबका। चलो देखो इधर थर्ड में लेता हूं, यहां पर कैलकुलेशन हमें करना है अंदर, है ना, ये था अदर पॉइंट। तो इनर पॉइंट के लिए देखो ई इंटू टू पाई आर, ये स्मॉल आर है ना डिस्टेंस, रेडियस स्मॉल आर है, ई इंटू टू पाई आर इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो इधर, एरिया कितना होगा, अब एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होगा, अब एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स ओनली इतने पार्ट का हमें देखना है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण है, इस फ्लक्स के कारण है जो अंदर है, बाहर वाले फ्लक्स के कारण नहीं होगा, ठीक है, एनक्लोज देखेंगे। तो एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बस ये डिफरेंस था, ठीक है, डीबी बाय डीटी।
तो इसमें स्मॉल आर एक कैंसिल, पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर बाय टू इंटू अल्फा। इससे क्या रिलेशन आया, इससे रिलेशन आया कि ई प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए तो देखो ये तो क्या अंदर का रिलेशन, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर हम आउटसाइड बनाए तो क्या ग्राफ होगा, आउटसाइड अगर ध्यान से देखे तो वन अपॉन आर, ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका अगर हम कंबाइंड ग्राफ बनाना चाहें, इधर बनाया था मैं, तो ग्राफ कैसा होगा सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल बनाओ अंदर से कैसा होगा, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, ओके यहां पर ड्रॉ कर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन इनसाइड, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इसके बाद ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, हाइपरबोला। सरफेस पर मैक्सिमम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ग्राफ नोट डाउन कर लो। और ये थर्ड पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेशन में लेना है यूज में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखेंगे ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है फ्लक्स, वो देखना है बस हमें। ओके ठीक करो मैडम।